हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तक मेरी उम्मत माह रमजान की हुरमत बाकी रखेगी वो रुस्वा नहीं होगी। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह रुस्वाई कैसी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान में जिसने हराम अमल का इर्तकाब किया या कोई गुनाह किया, शराब पी या जिना किया, इसका रमजान कोई रोजा कबूल नहीं किया जाएगा और आइंदा साल तक इस पर अल्लाह तबारक व ताला की, इसके फरिश्तों की और आसमान वालों की लानत होगी। अगर इस अरसे में आइंदा साल के रमजान तक मर जाएगा तो अल्लाह तबारक व ताला के हजूर में इसकी कोई नेकी की सूरत में कबूल ना होगी। सामिने मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमजानुल मुबारक की बरकतें क्या हैं और इस माह में जन्नत को क्यों सजाया जाता है और जन्नत में हूरें क्या इल्तजा करती हैं और इस मुबारक महीने की अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अपने बंदों और बंदियों के लिए क्या बशारतें हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हों से रवायत है कि मैंने खुद सुना है कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि माह रमजान के इस्तकबाल के लिए जन्नत एक साल से दूसरे साल तक यानी तमाम साल मजीन और आरास्ता की जाती है। फिर जब माह रमजान की पहली शब आती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है। ये हवा जन्नत के दरख्तों के पत्तों और कवाड़ों की जंजीरों से मिस होती है और इनको हिलाती है। इस हवा के लगने से ऐसी आवाज पैदा होती है कि इससे अच्छी आवाज सुनने वालों ने कभी नहीं सुनी होगी। फिर हूरें आरास्ता होकर जन्नत के गर्कों यानी झरोकों में आकर खड़ी हो जाती हैं और आवाज देती हैं कि क्या कोई है तो हमको अल्लाह तबारक व ताला से मांग ले और अल्लाह तबारक व ताला इसका निकाह हमसे कर दे। फिर वो रिजवान जन्नत से कहती हैं, आज की रात कैसी? रिजवान जवाब देता है, ए बेमिसाल हिस्सी, ये माह रमजान की पहली रात। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से रोजादारों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ए मालिक दरोगा जहन्नम, उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से ये दोजख के दरवाजे बंद कर दो। ए जिब्राइल, जमीन पर जाओ और शयातीन को कैद कर दो, इनको जंजीरों से जकड़ दो, उनको समंदर की गहराइयों में फेंक दो ताकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजों को खराब न करें। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान की हर रात में अल्लाह तबारक व ताला तीन मरतबा फरमाता है, क्या कोई मांगने वाला है कि मैं इसका सवाल पूरा करूँ? क्या कोई तौबा करने वाला है कि मैं इसकी तौबा कबूल करूँ? क्या कोई मगफरत का तालिब है कि मैं इसको बख्श दूं? कोई है जो ऐसे गनी को कर्ज दे जो नादार नहीं है और पूरा बदला देने वाला है और वो किसी की हक तलफी करने वाला नहीं है? आपने फरमाया कि माह रमजान में हर रोज अफ्तार के वक्त हजारों दोजखी दोजख से आजाद कर दिए जाते हैं, हालांकि उनमें से हर एक अजाब का मुस्तहिक होता है। और जब जुम्मे का दिन और जुम्मे की शब आती है तो लाखों दोजखी दोजख से आजाद हो जाते हैं जिनमें से हर एक अजाब का सजावार होता है। जब रमजान का आखिरी दिन आता है तो अव्वल तारीख से आखिर तारीख तक मजमूई तौर पर जितने अफराद दोजख से आज़ादी पा चुके हैं इनकी तादाद के बराबर इस आखिरी रोज आज़ाद किए जाते हैं। सामीने मोहतरम, माह रमजान में हर रोज तुलू आफ्ताब से अफ्तार तक के वक्त अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ बंदों को ख्वाब मर्द हों या औरत जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। हर आसमान पर एक निदा देने वाला फरिश्ता होता है जिसकी चोटी अर्श के नीचे और पांव जमीन के सातवें तबका की इंतहा पर होते हैं। इसका एक बाजू मशरिक में और एक मगरिब में होता है। इसके सर पर लूलू मरजान और जवाहर का ताज होता है। ये निदा देने वाला फरिश्ता पुकारता है, क्या कोई तौबा करने वाला है कि इसकी तौबा कबूल की जाए? और कोई मांगने वाला है जिसकी दुआ कबूल की जाए? कोई मजलूम है जिसकी दादरसी की जाए? कोई मगफरत चाहने वाला है जिसकी मगफरत की जाए? कोई साइल है जिसके सवाल को पूरा किया जाए? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम माह रमजान में इसी तरह निदा फरमाता रहता है कि मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुमको बशारत हो, सब्र करो खाने पीने वगैरह से और पाबंदी करो अहकाम रोजा की, मैं अनकरीब तुम्हारी मुशक्कतें दूर कर दूंगा और तुम मेरी रहमत और करामत तक पहुँच जाओगे, तुमको मेरी रहमत हासिल होगी। शबे कदर को जिब्राइल फरिश्तों के साथ उतरते हैं और हर जिक्र इलाही करने वाले, ख्वाब वो खड़ा हो या बैठा हो,
इसके लिए दुआए रहमत फरमाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बिन मालिक से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों और जमीन को बात करने की इजाज़त देता तो यकीनन वो माह रमजान के रोजेदारों को जन्नत की बिशारत देता। हजरत अब्दुल्ला बिन औफी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजादार की नींद इबादत है, वो खामोश तस्बीह है और इसकी दुआ मकबूल है और इसका अमल दुगना किया जाता है। सामेने मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको माह रमजान के रोजे रखने और इस बरकत वाले महीने में नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।